महाजनसंपर्क अभियान के जरिए भाजपा 2024 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कवायद में जुटी है। जहां एक तरफ भाजपा बूथ स्तर पर अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष फिलहाल चुनावी रणनीति में भाजपा के मुकाबले में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाने जा रही है। पूरा एक महीने तक ये अभियान चलेगा। इसके तहत कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। 29 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के जरिए इस अभियान का आगाज होगा। इसके बाद अलग अलग रूप में कार्यक्रम संचालित होंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में 250 विशिष्ट लोगों से संपर्क किया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं। इसके अलावा हर लोकसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा भी होगी। विकास तीर्थ कार्यक्रम के जरिए विकास के प्रमुख स्थलों में बीजेपी नेता जाएंगे। घर घर संपर्क अभियान के जरिए आम लोगों तक केंद्र साल के 9 साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के साथ ही उनसे मिस्ड कॉल भी करानी है। यही नहीं, प्रबुद्ध सम्मेलन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट, व्यापारी सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क, पीएम मोदी के साथ वीसी जैसे कार्यक्रम बूथ स्तर पर होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा के लिए भी उनसे निवेदन किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। हमारे लगभग 16 लाख कार्यकर्ता करोड़ों लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल कराके उनसे जनसंपर्क करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हवा में ही नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि बूथ स्तर पर कांग्रेस ने कई बैठकें ली हैं और अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया है, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ही कर रही है। हम पूरी तैयारी में हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। हर पार्टी का अपना अपना तरीका है काम करने का। हम भाजपा की तरह ढोल नहीं पीटते हैं, हम भाजपा की तरह इवेंट नहीं करते हैं, हम भाजपा की तरह जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करते। चुनाव की तैयारियों के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी कांग्रेस से कई आगे नजर आ रही है और कांग्रेस तैयारियों के लिहाज से दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही। बीजेपी को अपनी जीत की हैट्रिक जमानी है तो कांग्रेस को हार के सन्नाटे को तोड़ना है। देखना होगा कि किसकी मेहनत रंग लाती है और किसके रंग में भंग पड़ता है। कुलदीप नेगी, जी मीडिया।